अब एटीएम और बैंक जाने की जरूरत हुई खत्म, इस आसान तरीके से निकाल सकते हैं आप कैश। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग से डिजिटल लेन देन काफ़ी आसान हो चुका है, लेकिन कई बार कैश की जरूरत होने पर हम एटीएम जाते हैं। कई लोग तो आज भी ऐसे हैं जिनके पास एटीएम नहीं होंगे। ऐसे लोगों को कैश की जब जरूरत होती है तो वो बैंक जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका आधार भी किसी एटीएम से कम नहीं है। अगर आपको कैश की ज़रूरत है और आपके पास एटीएम नहीं है तो आपको बैंक में जाकर लंबी कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आधार से भी कैश निकाल सकते हैं। अब ये कैसे संभव है और आधार से पैसे कहाँ से निकालें, चलिए अब आपको इसके बारे में बताते हैं। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप आसानी से अपने आधार से कैश निकाल सकते हैं। आधार से कैश निकालने की सुविधा AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए संभव है। ये सिस्टम आपके आसपास में कई जगहों पर मिल जाएंगे। AEPS सपोर्ट वाले माइक्रो ATM में जाने के बाद माइक्रो ATM मशीन में 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर लें। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट दें, फिर ट्रांजैक्शन टाइप का ऑप्शन आएगा, यहाँ कैश विड्रॉ का ऑप्शन चुनें। जितने पैसे आपको अपने बैंक से विड्रॉ करने हैं वो अमाउंट वहाँ दर्ज करेंगे, यहाँ आपको कैश मिल जाएंगे। ट्रांजैक्शन होने के बाद रसीद जरूर ले लें। चलिए अब आपको APS के बारे में विस्तार से बताते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है, और अगर इससे हमें कैश निकालना पड़े तो इसकी लिमिट क्या है। AEPS बैंक ग्राहकों को बैंकिंग से जुड़ी कई सुविधाएं देता है, जैसे कैश निकालना, बैलेंस चेक करना या इससे संबंधित किसी तरह की इंक्वायरी और फंड ट्रांसफर आदि की जानकारी लेना। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे हम NPCI से भी जानते हैं, इसी के जरिए AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है। इस AEPS से आमतौर पर कैश निकालने की लिमिट 10,000 से 50,000 रुपये होती है। कई बैंक भले ही सिक्योरिटी कारणों से इसे डिसेबल रखते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी सुविधा आपको कई जगहों पर मिल जाएगी। AEPS सर्विस से यदि हम कैश निकाल रहे हैं तो इस दौरान हमें कई बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। आप AEPS की सर्विस उसी जगह से लें जो ऑथराइज होते हैं। आपके बैंक खाते से जो नंबर लिंक्ड है उसे हमेशा एक्टिव रखें, जिससे ट्रांजैक्शन से जुड़ी हर गतिविधि की जानकारी आपको मिल सके। ट्रांजैक्शन पूरी होने के बाद रसीद लेना ना। जिन इलाकों में ATM की अच्छी सुविधा नहीं है या बैंक दूर है, तो ऐसे ग्रामीण या अर्ध शहरी इलाकों में AEPS बड़े काम की चीज़ है। आधार से कैश निकालना पहले से काफ़ी आसान हो गया है, जिससे लोगों की बैंक या ATM से कैश निकालने की निर्भरता भी कम होती जा रही है। या जिन लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग और ATM की जानकारी नहीं है, उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप AEPS सर्विस के बारे में जानते थे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।